अच्छा स्टूडेंट्स फर्दर आ जाते हैं लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स लोकल एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन पॉइंट इन अ फ्लो फीड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो लोकल वेलोसिटी होती है वो आपको इंक्रीज़ बताती है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ फ्लो फील्ड। ठीक है, इन द इक्वेशन गिवन 5.6 द एक्सप्रेशन पार्शल यू बाय पार्शल टी, पार्शल वी बाय पार्शल टी और पार्शल डब्ल्यू बाय पार्शल टी इज़ नॉन एज लोकल एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी एक्सेलरेशन जो कि इंक्रीज़ वेलोसिटी में इंक्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताती है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को आप लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो 5.6 है ये आपकी लोकल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, द एक्सप्रेशन other than partial u by partial t, partial v by partial t and partial w by partial t in equation 5.6 are known as कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज बताती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्या फ़र्क है दोनों में, लोकल बताती है चेंज, इंक्रीज़ बताती है या चेंज बताती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से बताती है लोकल एक्सेलरेशन, और जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होती है वो पोजीशन के लिहाज से बताती है। ठीक है, तो जो 5.7 है ये आपकी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, 5.7 एक्सेलरेशन जो है ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, जबकि 5.6 जो है वो लोकल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स फर्दर एग्जांपल है 5.6 वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वेलोसिटी आपको गिवन है एट स्पेसिफिक टाइम और टाइम भी गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिए हुए हैं होमवर्क के तौर पे करने के लिए 3 अक्टूबर वाले लेक्चर में। ठीक है, तो बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे जैसे वो क्वेश्चन किए थे उन्हीं लाइन्स पे ये क्वेश्चन करने हैं आपने। 5.6 क्वेश्चन करना है, 5.7 करना है, 5.8, ठीक है 5.8 तक करने हैं। ठीक है 6, 7 और 8। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन इधर से नहीं देखने, सोल्यूशन खुद करने हैं। ठीक है।